हाँ लेट्स स्टार्ट। दिस टॉपिक इज डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ पार्सन्स टर्बाइन, कि हमको क्या करना है, पार्सन्स टर्बाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालनी है। डिग्री ऑफ रिएक्शन पार्सन्स टर्बाइन की निकालें उसके लिए हमको है ना, जो हमने कल डेरिवेशन करी थी उसमें से ना इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को वहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास डेल्टा एच आइसेंट्रॉपिक नोजल क्या आया था और डेल्टा एच आइसेंट्रॉपिक ब्लेड क्या आया था। ठीक है, फिर इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर मेरी बात? तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच आइसेंट्रॉपिक फॉर द नोजल, डेल्टा एच आइसेंट्रॉपिक फॉर द नोजल कितना था बताओ, C1 square माइनस 5 टाइम CR2 square 1 प्लस ब्रैकेट रो 2 square माइनस 2 रो 2 cos beta 2 या 1 कितना था जी, बीटा 2 cos beta 2 अपॉन twice ऑफ eta n। ठीक है, और सिमिलरली हमने क्या निकाला था, डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक निकाला था ब्लेड के लिए, अब वो बता दो क्योंकि वो साइड वाली स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहा है कितना है। CR2 का स्क्वायर माइनस 5 C1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस रो का स्क्वायर माइनस 2 रो कॉस अल्फा 1 जी अपॉन ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमने किससे उठाया, ये हम लोगों ने उठाया इक्वेशन नंबर 3 और 5 से। ये वैल्यूज हमने किससे लिए, इक्वेशन नंबर 3 और 5 से वैल्यूज लिए ये वाली। और इस 3 और 5 की वैल्यूज जो हैं उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। मैंने जब तुमको पार्सन्स टर्बाइन पढ़ाई थी तो पार्सन्स टर्बाइन के अंदर कहा था कि कुछ पैरामीटर्स इसके अंदर हम लोग क्या लेके चलते हैं, कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ पैरामीटर इसके अंदर हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि ये वैल्यू फिक्स रहेंगी। क्या क्या थी वो वैल्यूज, अल्फा वन इक्वल टू बीटा टू Alpha 2 equal to beta 1 CR2 equal to CR1 नहीं, CR2 equals to C1 हाँ C1 sorry हाँ and CR1 equal to C2 good। ये conditions है किसके लिए, ये condition है Parsons turbine के लिए, for the Parsons turbine। ठीक है, इनको है ना अप्लाई करते हैं नोजल और ब्लेड के अंदर। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं किसके अंदर, नोजल और ब्लेड के अंदर। अगर मैंने इसको नोजल और ब्लेड के अंदर अप्लाई किया तो देखो क्या हो रहा है, मैं CR2 को क्या बोल सकता हूँ, C1 बोल सकता हूँ। यहाँ से CR2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले CR2 को मैं C1 बोल सकता हूँ। सिमिलरली इस CR2 को भी क्या बोल सकता हूँ, मैं C1 बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है, ये बीटा 2 जो है ये रिप्लेस करके इसको हम लोग अल्फा 1 बोल सकते हैं। भाई पार्सन टर्बाइन है, पार्सन टर्बाइन के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा 2 किसके इक्वल है, अल्फा 1 के इक्वल है। अल्फा 1 के रो 2 क्या था, रो 2 था म्यू अपन CR2। अबे म्यू नहीं है, यू था क्या, हाँ यू अपॉन सी टू ना, रो था हमारे पास में U upon CR2। अभी हम बोल रहे पार्सन टर्बाइन के लिए है ना CR2 equals to CR1 है, तो रो 2 कितना हो गया, U upon C1 जो कि किसके इक्वल हो गया हमारे पास में, रो 1 के इक्वल हो गया, सॉरी रो 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 1 नहीं, रो रो 2 किसके इक्वल हो गया, रो के इक्वल हो गया। ये वैल्यूज उठा के पुट करते हैं, ठीक है, जो हम ये वैल्यूज बता रहे हैं ना, ये वैल्यूज उठा के पुट करते हैं।
अगर ऐसी वैल्यूज उठा के पुट करेंगे तो देखो हमारी इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, सेम सी बन जाएगी दोनों। जी बिल्कुल, कितना शिद्दत के साथ बोला इसने। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास है ना डेल्टा कलर कलर, हमारे पास है डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक फॉर द नोजल, क्या बन गया हमारे पास है, ये बन गया सी वन स्क्वायर माइनस फाइव टाइम सी वन स्क्वायर वन प्लस रो स्क्वायर माइनस टू रो कॉस अल्फा वन। देखो रो टू रिप्लेस हो चुका है किससे, रो से, रो टू किससे रिप्लेस हो चुका है, रो से, सी आर वन सी आर टू को हमने रिप्लेस कर दिया है सी वन से और बीटा टू को हमने रिप्लेस कर दिया है अल्फा वन से। टी एंड सी अप्लाई किसकी बात करेंगे, सिर्फ पार्सन्स टर्बाइन की बात करेंगे तभी करेंगे ये, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ये सिर्फ हम बात करेंगे किसके लिए, जब पार्सन्स टर्बाइन की बात करेंगे सिर्फ तब के लिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ ईटा एन, सिमिलरली डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक ऑफ द ब्लेड, ये भी क्या है सेम सी वन स्क्वायर माइनस फाइव टाइम सी वन स्क्वायर वन प्लस रो स्क्वायर माइनस टू रो माइनस टू रो कॉस अल्फा वन अपॉन ट्वाइस ऑफ ईटा एन। पार्सन्स टर्बाइन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो जी तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, अब हमारे पास है ना डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन का था हमारे पास एंट्रोपी एस एन ब्लेड, एंट्रोपी एस एन ब्लेड अपॉन एंट्रोपी एस एन, बेटा इसको ऐसे बोलते हैं, हाँ सुन मेरी बात, इसको है ना ऐसे पढ़ते हैं आइसेंट्रोपिक इनथैल्पी ड्रॉप, ऐसे नहीं आइसेंट्रोपिक इनथैल्पी ड्रॉप, ठीक है, दैट इज डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक, ऐसे नहीं इसको क्या पढ़ेगा आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक हाँ डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक, ऊपर क्या आएगा नोजल है ब्लेड ब्लेड जी अपॉन डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक नोजल ब्लेड प्लस डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक नोजल, ठीक है ये लिखी थी। यहाँ पर देखो अगर मैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखूं, अगर मैं है ना इस इक्वेशन ए और बी को देखूं तो ये दोनों सेम है, ठीक है, पार्सन्स टर्बाइन के लिए मुझे क्या मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है पार्सन्स टर्बाइन के लिए कि हमारे पास में डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक जो नोजल की है वही डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक किसकी है ब्लेड की है, ये मुझे दिखा है यहाँ पर से दोनों इक्वेशन ए और बी से दोनों सेम डिनोट कर रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ आर की जगह पे तो आर की जगह पे पुट करने पे क्या मिल जाएगा मुझे, आर की जगह पुट करने पे क्या मिल जाएगा मुझे, नोजल और ब्लेड इक्वल है तो एक ही चीज पुट कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है, इसको हम लोग हाँ इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं 0.5। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट द पार्सन्स टर्बाइन इज हाफ डिग्री रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं दैट द पार्सन्स टर्बाइन इज हाफ डिग्री रिएक्शन टर्बाइन, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया आगे बढ़े।
देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हम लोगों ने अभी ना एफिशिएंसी निकाल ली है और सॉरी डिग्री ऑफ रिएक्शन निकाला है। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद में आगे ही पढ़ते हैं। बात करेंगे किसके बारे में, ब्लेड एफिशिएंसी के बारे में और डायग्राम एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में, ब्लेड एफिशिएंसी के बारे में और डायग्राम एफिशिएंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी के बारे में। ब्लेड एफिशिएंसी से पहले हम लोग चलते हैं किसके बारे में, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी से, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी ऑफ द पार्सन टरबाइन। तो यहाँ पर डेरिवेशन साइड में करो ना, ये जो पता है आपको यहाँ पर है ना, डेरिवेशन दे रखी है, मगर इस डेरिवेशन को हम लोग किस पर करते हैं, बोर्ड पे करते हैं, ताकि हम लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो आ जाओ वापस से बोर्ड के ऊपर। तो हेडिंग डालो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी। ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी, क्या बताई थी बच्चे, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी क्या होती है? देखो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा जीएस से। जो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी होती है वो होता है वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम, वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द स्टेज। और यहाँ पर है ना स्टेज किससे मिलके बनी है, स्टेज मिलके बनी है मूविंग ब्लेड से और साथ के साथ में हमारी कौन सी ब्लेड है, स्टेज किससे मिलके बनी है, मूविंग ब्लेड से और फिक्स ब्लेड से, दोनों से मिलके बनी है। तो जब हम स्टेज की बात करेंगे तो स्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेज के लिए हम लोगों को ऐड करना पड़ता है डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक ऑफ द नोजल प्लस डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक ऑफ द ब्लेड। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, पार्सन टरबाइन के लिए। हम ये दे रहे हैं ना डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए, पार्सन टरबाइन के लिए। तो पार्सन टरबाइन के लिए है ना हमारे पास में क्या थी वैल्यू, डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक नोजल था हमारे पास सी वन स्क्वायर वन प्लस रो स्क्वायर माइनस टू रू कॉस अल्फा अपॉन टू ईटा एन। दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, हाफ और हाफ वन हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, सी वन स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स सी वन स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस वन माइनस टू रू कॉस अल्फा वन अपॉन ईटा एन, अपॉन ईटा एन। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द स्टेज की। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, सी वन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बात तो वो क्या लेना है, पर केजी लेना है। पर केजी लेने का मतलब क्या हो गया, जो हम लोगों का एम डॉट की वैल्यू है ना, वो एम डॉट कितना है, वन केजी पर सेकेंड। तो अगर वन केजी पर सेकेंड है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्या होता है वर्क डन, एम यू सी डब्ल्यू होता है। तो उस एम यू सी डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ यू इंटू सी डब्ल्यू, हम लोग क्या लेंगे यू इंटू सी डब्ल्यू। और सी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ सी डब्ल्यू इज सी वन कॉस अल्फा वन प्लस सी अल्फा टू। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग कहना चाहें तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, अगर वी और यू की टर्म में कहना चाहते हैं तो सी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू प्लस सी आर टू कॉस बीटा टू, जो कि हम लोगों ने किस में यूज़ किया था, इंपल्स टरबाइन के अंदर यूज़ किया था, कि सी आर वन कॉस बीटा वन प्लस सी आर टू कॉस बीटा टू। सी आर वन कॉस बीटा वन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए यू सी डब्ल्यू, तो मेरे को यू से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, यू कम्प्लीट, इसको चेंज करते हैं पार्सन टरबाइन के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में सी वन कॉस अल्फा वन, ये हो गया हमारे पास में सी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू। सी आर टू किसके इक्वल होता है, सी वन के इक्वल होता है कॉस, और बीटा टू किसके इक्वल होता है, अल्फा वन के इक्वल होता है। ठीक है, इफ इट इज सो, तो हम लोगों ने क्या करा, देखो सी वन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ पर सी वन कॉस अल्फा वन है और यहाँ पर सी वन कॉस अल्फा वन है, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से सी वन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, सी वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी वन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है कि ये वाली पैटर्न कैसा आ रहा है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने। सी वन स्क्वायर का यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू अपॉन सी वन कॉस अल्फा वन, ठीक है, डबल हो गया, तो ये क्या हो गया, टू यू सो सी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी वन स्क्वायर, ठीक है। और यू अपॉन सी वन क्या होता है हमारे पास में, रो होता है, यू अपॉन सी वन क्या होता है हमारे पास में, रो होता है। तो उस रो की वैल्यू को उठा के मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया है, ठीक है। तो UCW कितना हो गया हमारे पास में, UCW की वैल्यू हो गई सी वन स्क्वायर टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जरा निकालो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी निकालो। एटा जी एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो सी वन स्क्वायर टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर अपॉन सी वन स्क्वायर अपॉन एटा एन वन माइनस फाई वन प्लस रो स्क्वायर माइनस टू रो कॉस अल्फा वन, ठीक है। अब देखो सी वन स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास में सी वन स्क्वायर, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी क्या हो गई हमारी, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी हो गई ईटा एन अपॉन, मैंने क्या करा ये टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर है ना, उसको डिवाइड कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में, टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया कहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जब मैंने डिवाइड किया तो देखो मेरे पास क्या बच रहा है, जब हम लोग इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या बच रहा है, वी हैव द वैल्यू देखो वन माइनस फाइव, तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस फाइव को प्लस फाइव कन्वर्ट कर देते हैं और इसको ऐसे लिख दिया टू रो वन माइनस फाइव प्लस फाइव टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे इसके नीचे तो क्या रह गया, टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ गया, टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अगर ये वैल्यू कैंसिल हो रही है तो मेरे पास में ना ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी इज ईटा एन अपॉन वन माइनस फाइव टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी। अब मैक्सिमम ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी कहाँ मिल सकती है हमको, ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम लोग है ना जब मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर है ना बड़ी हौचपोच होती है, यहाँ पर ना बड़ी हौचपोच होती है कि है ना किस पे ये डिपेंड कर रही है,
बट यहाँ से है ना ये बड़ा ही क्लियर हो रहा है कि ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, 2 rho cos alpha 1 - rho square के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि जैसे मान लो इसको कोई इक्वेशन बोल दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 2, हियर इज द इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द ग्रॉस एफिशिएंसी, द ग्रॉस एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम हो सकती है, द ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन 2 rho cos alpha 1 - rho square इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेज मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना इसके रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी के लिए क्या किया, डी ईटा जी एस रो को है ना डिफरेंशिएट कर दो और जीरो के इक्वल रख दो, जरा डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आता है, किस पे डिपेंड कर रहा है ये जीएस, किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे पास में 2 rho cos alpha 1 - rho square का, ये किसका फंक्शन है, 2 rho cos alpha 1 - rho square का, तो सिर्फ 2 rho cos alpha 1 - rho square से हम लोग क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे रो ऑप्टिमम बताओ कितना आ रहा है, फटाफट डिफरेंशिएट करके बोलो, हाँ बच्चे किसी ने करा इसको डिफरेंशिएट, क्या आया वैल्यू, डी ऑफ डी रो किसका करना है आपको, 2 rho cos alpha 1 - rho square का करना है, किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है, यहाँ से आपके पास में रो ऑप्टिमम निकल के आएगा कितना, कॉस अल्फा वन का, कितने लोगों के निकला, रो के उसमें ही तो करना है हमारे लिए, तो 2 rho cos alpha 1 - rho square है। देखो रो ऑप्टिमम हमको वन पे, तो यहाँ से हम लोग ना मैक्सिमम ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी निकाल सकते हैं रो की वैल्यू पुट करके, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ द रो व्हाट वी गेट ईटा एन कॉस स्क्वायर अल्फा वन अपॉन 1 - 5 × 1 - cos² α1। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है आरटीयू के अंदर कि शो दैट द मैक्सिमम ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी फॉर अ पार्सन्स टर्बाइन इज गिवन बाय ईटा एन कॉस स्क्वायर अल्फा वन 1 - 5 × 1 - cos² α1। ठीक है, ये भी हम लोगों ने निकाली है मैक्सिमम ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ब्लेड एफिशिएंसी के बारे में, बात करते हैं ब्लेड एफिशिएंसी के बारे में कि ब्लेड एफिशिएंसी क्या होगी। सो आवर नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग इज ब्लेड एफिशिएंसी ऑफ पार्सन्स टर्बाइन। ठीक है, ब्लेड एफिशिएंसी क्या होती है, द ब्लेड एफिशिएंसी इज वर्क डन पर सेकंड जस्ट अ सेकंड ना,
देखो वर्क डन पर सेकंड, अपॉन एनर्जी इनपुट पर सेकंड, अपॉन एनर्जी इनपुट पर सेकंड, ठीक है, वर्क डन पर सेकंड अपॉन एनर्जी इनपुट पर सेकंड। इफ हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है देखो, तो वर्क डन कितना निकाला था अभी हम लोगों ने, वर्क डन पर सेकंड था हमारे पास में UCW, जिसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी कितनी, C1 स्क्वायर 2 रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर। और वर्क डन की बात करो तो वर्क डन क्या है हमारे पास में, C1 स्क्वायर अपॉन 2। वर्क डन क्या है हमारे पास में, C1 स्क्वायर अपॉन 2, किसके अंदर, फिक्स ब्लेड के अंदर, ये किसके अंदर है, फिक्स ब्लेड के अंदर। और साथ के साथ हमारे पास में क्या आ रही है, मूविंग ब्लेड भी आ रही है, जिसके अंदर हमको क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो वो जो मूविंग ब्लेड की एनर्जी है वो कितनी है, वो रिलेटिवली जा रही है Cr2 स्क्वायर माइनस Cr1 स्क्वायर अपॉन 2, किसके अंदर, मूविंग ब्लेड के अंदर, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग है ना टोटल एनर्जी निकालते हैं कि टोटल एनर्जी इनपुट कितनी देनी पड़ रही है हमको, टोटल एनर्जी इनपुट, ठीक है, द टोटल एनर्जी इनपुट इन दिस सेक्शन इज C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Cr2 स्क्वायर माइनस Cr1 स्क्वायर अपॉन 2। देखो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, C1 स्क्वायर अपॉन 2, Cr2 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, C1 स्क्वायर माइनस Cr1 स्क्वायर अपॉन 2। Cr1 ये दोनों मिलके क्या हो गया हमारे पास में, C1 स्क्वायर, यहाँ पर साइड में क्या रखे चला गया है, Cr1 स्क्वायर अपॉन 2। Cr1 को इन द टर्म्स ऑफ C1 हम लोग इम्पल्स में समझा चुके हैं कि क्या था, कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cr1 इन द टर्म्स ऑफ द C1, U और C1 के टर्म में हमने लिखा था इसको, द वैल्यू इज C1 स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 रो कॉस अल्फा 1। और ये ध्यान रखना हर एक डेरिवेशन से पहले आपको है ना वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एज हम लोग बना चुके हैं इसलिए वापस से इसको नोट नहीं किया है, बट आप लोगों को हर एक डेरिवेशन से पहले क्या बनाना पड़ेगा, इस वेलोसिटी ट्रायंगल को बना के दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास में नेट C1 स्क्वायर कितना बचेगा, C1 स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास क्या बच रहा है, C1 स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस 2 रो कॉस अल्फा 1। अगर हम यहाँ से ब्लेड एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहें, यहाँ से हम लोग किसको फाइंड आउट करना चाहें, ब्लेड एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहें, तो हमारी ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमारी ब्लेड एफिशिएंसी हो जाएगी C1 स्क्वायर 2 रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस 2 रो कॉस अल्फा 1, ठीक है। थोड़ा सा देखो C1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ 2 रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रो कॉस अल्फा 1। अगेन जो हमने पहले किया था कि इसको एक कॉमन रेशियो जनरेट करना है, तो 2 रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर का मैंने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास यहां से ब्लेड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये तो 1 हो गया, 2 अपॉन 1 अपॉन 2 रो कॉस अल्फा 1
माइनस रो स्क्वायर प्लस वन। अगेन हम क्या कह सकते हैं, हमारी ब्लेड एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी ब्लेड एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर के ऊपर। हम क्या कह सकते हैं कि ब्लेड एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, दिस ब्लेड एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टू रो कॉस अल्फा वन माइनस रो स्क्वायर। तो मुझे मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रो के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रो ऑप्टिमम निकाल सकते हैं। तो इससे जब आप रो ऑप्टिमम निकालोगे, ये पहले भी निकाला हमने, ये कितना आया था, रो ऑप्टिमम हमारे पास में आया था कॉस अल्फा वन, और इस रो ऑप्टिमम की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर थ्री में अगर हम लोग पुट कर दें तो हमारे पास ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम आ जाएगी। अगर इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर दे तो हमारे पास मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आ जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी इज टू कॉस स्क्वायर अल्फा वन अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आ गई है। आज की क्लास में हम लोगों ने ना एक तो डिग्री ऑफ रिएक्शन निकाला, डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी थी 1/2 थी, फिर हम लोगों ने पार्सन टरबाइन के लिए ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी निकाली, फिर हमने क्या करा है मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकाली है पार्सन टरबाइन के लिए। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसको कंपेयर करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बी एंड टुडेस क्लास। थैंक यू सर। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, पूछो। ओके स्टूडेंट्स, एंड करते हैं।